इब्ने अरबी कौन थे? इब्ने अरबी वो थे जिन्हें कुरान और हदीस के सबसे बड़े आलिम कहा जाता है। तमाम सूफिया इब्ने अरबी को शेख अकबर कहते हैं, अशेखुल अकबर, और सिर्फ अशेख यानी दी शेख भी कहेंगे तो इससे मुराद भी इब्ने अरबी होगा। अब इब्ने अरबी का जो फ़लसफ़ा है, इब्ने अरबी की जो बातें हैं उसके बारे में बात करूँगा। हम फ़लसफे से पहले तौहीद की बात करें कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह क्या है। काम आदमी के नज़दीक कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही मारने वाला है, सब चीज़ें तब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और सब मुसीबतों से निजात दिलाने वाला भी अल्लाह ही है, और अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, और अल्लाह ही हाजत रवा है। अब एक आम आदमी को ये सब चीज़ें मालूम है और उसका इस पर यकीन है तो तौहीद मुकम्मल है। लेकिन फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा कुछ और शय है, और फ़लसफ़ा कुछ और सवालात पैदा करता है। तो इब्ने अरबी की जो बातें हैं वो फ़लसफ़ा है, वो क्या है? वो यही है कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो, वही तमाम चीज़ों को राज़िक है। तो इब्ने अरबी की जो बातें हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है। इब्ने आदम की हदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया और रसूल को माबूद फरमाया। जो ताल्लुक बंदा खुदा का मुनक़ता हो चुका था, इसको बहाल करने के लिए सिलसिला चलता रहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, पर यह सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हुआ और नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर ये ड्यूटी या फ़राइज़ किस किस सबूत हो जो इस टूटे हुए ताल्लुक़ को इस्तवार करे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्ने आदम में से कुछ बंदों का इंतखाब किया जिनका ज़ाहिर तो उम्मती और लिबास खादिम और ग़ुलाम का था, नाम मुत्ती और फरमा बरदार था, लेकिन बातें नूर नबूवत से मुनव्वर था। अगर आप तारीख़ फ़लसफ़ा इस्लामी का मुताला करें, अंदाज़ा होगा इमाम गज़ाली, अलकंदी, इब्ने रुश्दी, इब्ने सीना और इब्ने खलदून का वगैरह का है। इन्होंने मखसूस उलूम में एक नाम पैदा किया, लेकिन शेखुल अकबर मोहियुद्दीन इब्ने अरबी इन्हीं बंदगाने खुदा में से एक हैं। इब्ने अरबी का इल्म मुकाब अल शेखुल अकबर, अब शेखुल अकबर इब्ने अरबी इन्हीं बंदगाने खुदा में से एक हैं। इब्ने अरबी का इल्मी मुकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है।